तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसमें हम बात करेंगे लूप, लूप के अंदर लूप कैसे इंक्लूड की जाती है, हम कुछ इसी एग्जांपल को जानेंगे। तो आज की जो एग्जांपल है नॉट ए प्रोफेशनल, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसी चीज के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो गैरी जी, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो बेसिकली मैं एक्सेल में चाहता हूं कुछ पिरामिड बनाना, स्टार से। कैसा पिरामिड? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह का पिरामिड की बात कर रहा होगा। जैसे इस तरह का पिरामिड, ये आपका C++, जावा, किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट में पूछे जाते हैं सर। मैं इस तरह का आकृति बनाना चाहता हूं VBA के थ्रू। बात समझ में आया सर आपको कि नहीं? हाँ जी सर, समझ में आया कि नहीं सर, क्या बनाना है आखिर? नहीं, मुझे तो स्टार ही दिख रहे हैं सर। हाँ, तो स्टार ही यूज करना, लेकिन स्टार इस तरह से प्लॉट होना चाहिए। ओके, समझ गया। हम ऐसा माइक्रो बनाए कि इस तरह का स्टार से इस तरह का एक आकृति बन जाए, मतलब एक प्लॉट हो जाए सर। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि ये टोटल नंबर ऑफ 5 रो लिए गए। जितना पहले रो में एक कॉलम यूज किया गया, दूसरे में 2 कॉलम यूज किया गया, तीसरे रो में 3 कॉलम, चौथे रो में 4 कॉलम और पांचवें नंबर में 5 कॉलम यूज किया गया। मतलब जैसे जैसे रो हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी कॉलम भी बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये VBA प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे बनाए जाएंगे? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक कोई प्रोफेशनली यूज होने वाली चीजें नहीं है, बट लूप की प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सर। ठीक है, यहां से एक मॉडल इंसर्ट करता हूं मैं। यहां सब्जेक्ट लूप 1, फोर i इक्वल टू चले 1 to 5। हमने i को रो मान लिया है, रो की तरह यूज कर रहा हूं क्योंकि 5 रो है तो 5 बार चले। बट कॉलम को मैंने j मान लिया। हम लूप के अंदर एक और लूप लगाते हैं और कॉलम के लिए हम j मान लिए, j इक्वल टू चले 1 2। बट प्रॉब्लम क्या है कि 1 कभी पहले बार 1 चल रहा है, दूसरे 2, दूसरे 3, दूसरे 4 चल रहा है, जितना रो है उतने ही कॉलम चल रहा है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू i कर दिया हमने और फिर नेक्स्ट j और फिर यहाँ पे देते हैं कि सेल i रो हो गया, j कॉलन हो गया, डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में स्टार। अब एक बार इसको रन करके दिखाता हूं और फिर हम बात करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। हो गया सर? अब बताइए कि इस कोड में कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी तरह की समझ में ना आ रहा हो कि आखिर वर्क कैसे कर रहा है? नहीं सर, ये ठीक है। ठीक है ना सर? तो इस तरह से यूज हमने कर लेते। अब मान लीजिए कि मुझे अगर इसी चीज को करना है, हमने अभी जैसे रन किया तो आपने देखा कि ये यहां आया, लेकिन मुझे कॉलन A1 से नहीं करना है, मुझे इसी काम को करना है यहां से, समझे? वैसे मैं पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहा था। अभी मैंने क्या बनाया? आधा पिरामिड बनाया, हाफ है। अब मैं इसी को उल्टा कर दूंगा और फिर इसको अटैच करूंगा तो फुल पिरामिड बन जाएगा। तो अभी हमने मैं चाहता हूं यहां से रन हो, तो हमें क्या करना है कि कॉलन में हमें J में 5+ यहां पे प्लस 5 कर देना, 5 कॉलन बाद से। तो जैसे इसको आप रन करेंगे आप देखेंगे कि यहां से रन हो जा रहा है, ये हो गया। अब मुझे करना है रिवर्स,
मैं ऐसा मैप बनाना चाहता हूँ कि रिवर्स में वर्क हो, जैसे ए है ना सर, इस तरह का करे पांचवे नंबर कॉलम से इस तरह, इतना फुल पिरामिड बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लोग ध्यान से देखिएगा गैरी, क्योंकि इसकी एक क्वेश्चन से करने है आपको। तो फोर आई इक्वल टू चले 1 2 5, तो सिक्स है हमारा नेक्स्ट आई, और इसमें हम करेंगे सेल्स जो जे भी देना है ना, फोर जे इक्वल टू चले 1 2 आई और नेक्स्ट जे, माफ कीजिएगा मुझे यहाँ पे नेक्स्ट आई करना चाहिए था। उसके बाद हम करते हैं सेल्स, सेल्स में आई और हम बोलते हैं यहाँ पे 6 - j डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार, समझ गए। अब मैं इसको रन करता हूं दूसरे मैक्रो को, और इसी तरह से मैं पहले मैक्रो को रन करता हूं, हो गया सर पिरामिड। तो ये तो हमने दो अलग अलग मैक्रो में समझाया ताकि आपको समझ में आए दो हिस्सों में, अदरवाइज हम इसको इसी को कॉमा करते हैं और इसी में हम पेस्ट कर देते हैं। इसमें आप देखते हैं कि हमारा पिरामिड बन के तैयार है, समझ आएगा आपको फिर आउट इसमें। नहीं नहीं सर, जो आपने पहले बोला जे प्लस फाइव एंड जे माइनस सिक्स ये ना, तो ये ए वन से लेकर नेक्स्ट फाइव कॉलम ऐड करेगा राइट? नहीं नहीं बताता सिंपल सिंपल, कॉलम तो ऐड कुछ कॉलम ऐड नहीं कर रहा है, वो जो कॉलम है उसमें वैल्यू डाल रहा है। तो यहाँ पे मैं सेफर वे करता हूँ, रन हुआ देखिए, अब इसमें क्या है आई वन है और जे भी वन है, आई वन और जे वन ठीक है। तो इसने कर दिया 1 + 5 = 6, तो इसने क्या किया कि इसको क्या मिला, सेल्स को क्या मिला, पहला नंबर रो और 6 नंबर कॉलम। तो क्या किया ए 1 2 3 4 5 6, इसमें इसने क्या कर दिया स्टार डाल दिया ठीक है। और फिर हमने एफेक्ट किया और मैंने बोला कि 6 - j, 1, इसने बोला कि पहला नंबर रो एंड 5 नंबर कॉलम, तो इसने क्या हुआ यहाँ पे डाल दिया ओके ओके। फिर वापस क्या हुआ कि जो j है 2 है, i 2 हो गया, तो j भी 1 से i चलेगा 2 चलेगा ना सर। तो इस बार क्या हुआ, इस बार 1a हुआ और 1a 1 + 5 = 6, तो यहां पे आया उसने क्या किया एक स्टार डाल दिया। फिर सिंपल यहां पे आ रहा है वो, ये क्या हो गया यहां पे 6, तो यहां भी इसने स्टार 6 - 1 j स्टार डाल दिया, दो दो स्टार डाल दिया, ऊपर किया तो ऐसे किया, बट इस बार जो है j दो बार चलेगा, एक बार नहीं चलेगा। तो फिर एक बार अगेन चलेगा, इस बार क्या हुआ आई टू है, टू का टू ही है बट जे टू हो गया, तो 5 + 2 क्या हो गया 7 हो गया ना सर ठीक है। तो ये क्या करेगा 7 नंबर रो जो है यहां दूसरे नंबर रो में, सेवन रो में यहां पे स्टार डाल देगा ठीक है। और सेम अगर यहां आगे प्लस हुआ है तो 6 में माइनस होगा, तो 6 - 2 तक 4, फिर 4 नंबर में जाके यहां पे स्टार डाल देगा ठीक है। तो हमने एक प्लस किया, हमने एक प्लस किया, 5 + 5 + 1 6 - 5 प्लस किया ताकि इस तरह से इधर बढ़ता जाए, और 6 - किया ताकि वो इधर से इधर घटता जाए ओके समझ गए। और हमारा पिरामिड बनकर तैयार हो गया समझ गए। इसी तरह से ऐसी और भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है, मैं चाहता हूं कि नाम का बढ़ते हुए क्रम में जाना चाहिए, जैसे सुजीत में एस एस यू एस यू जे एस यू जे ई टी, समझ गया ना सर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे डिम डी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे 4 i = 1 2 ले, इसकी कंप्लीट लेंथ
लेंथ से क्या आ जाएगा d, फिर नेक्स्ट i, फिर मैं यहां करता हूं सेल i कॉमा वन डॉट वैल्यू। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, लेन लगा देता हूं, यहां पे क्या लगा देता हूं लेफ्ट का फॉर्म, लेफ्ट लेफ्ट में हमने कर दिया कि डी में से हमें आई अलग करने है। अब इससे क्या होगा देखिए, मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे अच्छा d इक्वल टू हमने कुछ लिखा नहीं है ना, d इक्वल टू इनवर्टर कॉमा में सूजी, ओके देखिए हो गया सर। इस तरह से ब्रेक कर, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं सर, क्लियर है ना? तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे? हाँ जी, चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। तो क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखिएगा, हमने इसको बनाया और इसको बनाया, तो क्वेश्चन नंबर वन है कि आपको इसको उल्टा बनाना है। ओके, समझ गया पहला। दूसरा, इसको इसको उल्टा बनाना है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है इन लोगों को जोड़ के हमें उल्टा पिरामिड मिडल पिरामिड बनाना है। ओके, जब ए आपका बन जाएगा तो इसमें एक चीज और करना है। आप देख रहे हैं कि पिरामिड में क्या होता है कि यहाँ यहाँ लास्ट में दो पॉइंट दिख रहे हैं ना सर, मुझे जस्ट एक पॉइंट चाहिए इस तरह का, बात समझे? ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि इन चारों को जोड़ के एक अलग सा बनाना है, षटकोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको ऐसे बनाना है, समझ गए? जब ये हो जाए, ये सारा हो जाए, तो हमें क्या करना है, फिर इसी ए सिस्टम कि दोनों दो नहीं होने चाहिए, एक होने चाहिए, समझे? और ये दोनों भी एक होने चाहिए, ऊपर वाला भी एक होना चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर वन आ गया प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर टू आ गया प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया, क्वेश्चन नंबर आपके सामने फोर आ गया, एंड क्वेश्चन नंबर यहां पे आपके सामने सिक्स आ गया, क्वेश्चन नंबर सेवन आ गया। ये वन है, ये दो तो मैंने आपको बता ही दिया है, तीन बता दिया, दो अलग अलग एक साथ जोड़ के हो जाएगी सर। हाँ जी सर, थोड़ा सा जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ है ना, जो स्टार को इकट्ठे करके एक बना रहा है, आई नीड भाई, उस पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या है ना सर, जब बढ़ाने बैठते हैं ना सर, पहले तो सिंपल सिंपल बढ़ाते हैं, फिर देते हैं, मजा आने लगता है। जब आपको मजा आता है तो हमको मजा नहीं आता है, तो हम देते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जब आप फंसते हैं तो हमको मजा आता है, आप पता है, आप बताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कहने मतलब है कि नहीं समझे, सिंपली से हमने स्टार्ट किया तो कहने मतलब कि कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए, समझ नहीं समझ गया। कोई भी क्वेश्चन अगर सिंपल है तो उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, अगर इतना पता है आपको तो बेटर है। सिंपल चीजें तो सब कोई बना लेगा, कॉम्प्लिकेट चीजें को अगर आप करेंगे तभी तो आप एक्सपर्ट कहलाएंगे। ठीक है, ये फाइल चाहिए होगा आपको? नहीं सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, मैं सेव नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे इसको बना के आप भेजिए सर, अभी
अगर आप बना के भेजते हैं तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपने लूप में कितना पढ़ाई की है सर। ठीक है जी।